जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानू, भारतीय किसान यूनियन भानू, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज सेवन। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज हम आए हुए बिन्नेर देवी रोड पर। यहां मंजीत सिंह का आवास है जहां पर भानु प्रताप भारतीय किसान भानु से राष्ट्र अध्यक्ष का आगमन हुआ है। बता रहे हैं कि वो हमसे जानकारी भी करें, कहना है उनका कि हम लोग 2000 लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां और हम लोकसभा की सभी सीटों पर अपने पार्टी प्रत्याशी उतारेंगे, ये कहना है उनका। और उनसे क्या कहना है, चलिए उनको। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे, पहले तो सर हम आपका पूरे चैनल के माध्यम से सभी की तरफ से खैर मकदम और स्वागत करते हैं क्योंकि आप हमारे नगर आगमन पर आए हैं। सर क्या कहना चाहते हैं, आज आपका स्वागत, भव्य स्वागत हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, फिर मैं जो हमारी पीताम्बरा देवी के गुरु जी है उनका चरण वंदन करता हूँ और पीताम्बरा देवी के चरण वंदन करते हुए आगे की रणनीति मेरी ये है कि मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसमें से किसान क्रांति दल बना है जिसके इसके लिए कि आज कल कोई भी राजनेता किसान की, मजदूर की, गरीब की, महिला की, छात्र की, नौजवान की नहीं सुन रहा है। इसीलिए अहंकार हो गया है, केंद्र सरकार को अहंकार हो गया है। यदि किसान दिल्ली जाना चाहता है तो रास्ते में कीलें गाड़ दी जाती हैं, बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं कटीले। ये लोकतंत्र में अशोभनीय है, ये लोकतंत्र का खात्मा जैसा महसूस करता है। इसलिए पीताम्बरा मैं माता के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि जो मैंने किसान क्रांति दल बनाया है पूरे देश के अराजनैतिक संगठनों से और अपने जो सुनील सिंह है, ओम प्रताप सिंह सेना, ओम प्रताप सेना जो मेरा पुत्र आत्महत्या की थी 24 जनवरी 2018 में, तो उसकी जो इन्होंने ओम प्रताप के नाम से सेना बनाई है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे भी कहता हूं, किसान यूनियन भानु के सभी से कहता हूं और क्रांति दल के सब लोगों से कहता हूं, कहां है हमारे खुर्शीद आलम? खुर्शीद आलम है ये किसान क्रांति दल के पदाधिकारी हैं। हमारे ये कामरान भाई हैं, ये राष्ट्रीय मुख्य संगठन मंत्री हैं भारतीय किसान भानु के। ये सब लोग इतनी ताकत से 8 मार्च को यहाँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करके 8 मार्च को यहाँ बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें आगे की किसान क्रांति दल के लड़ने वालों की टिकटें घोषित कर दी जाएगी। सर क्या कल की जो घटना किसानों के साथ हुई, दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों को, जाने नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहते? उसके बारे में ये कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि दिल्ली जाना भाड़ में जाने दो, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस पंचायत का। ये लोकतंत्र में जो अन्याय केंद्र सरकार कर रही है, आगे आ रही चुनाव लोकसभा के, उसमें किसान क्रांत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारे मिलके, सारे अराजनैतिक किसानों के संगठन मिलके, मजदूरों के, व्यापारियों के सब संगठन मिलके किसान क्रांति दल के प्रत्याशी तय करो और किसान क्रांति दल की सरकार बनाओ और जो कीले डालती है और नहीं जाने देती किसानों को, मजदूरों को, लोकतंत्र का खात्मा है, उनको जवाब दे दो, उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दो केंद्र सरकार। अच्छा, लोकतंत्र है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी करो, किसान क्रांति दल की सरकार बना लो, फिर कहा, फिर कैसे, कौन गाड़ेगा फिर कीले, फिर कौन कीले गाड़ेगा? आज तक कीले गाड़ते हैं आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो विश्व विख्यात हो गए, जैसे विश्व विख्यात रावण हो गया था। रावण क्या था? उत्तम कुल
पुलस्त करनाति शिव बिरंच पूजे बहुभाति। शिवजी ब्रह्मा विष्णु की पूजा करके इतने आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, जैसे आज पूरे देश विदेशों में जाकर हमारे माननीय पूजनीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने प्राप्त कर लिए। इस आंदोलन में क्या तैयारियां हैं? इस आंदोलन की ये तैयारियां हैं, इस आंदोलन में भानु प्रताप सिंह किसान क्रांति दल से आगे चुनाव लड़ाएगा, और नरेंद्र मोदी जैसे जैसे रावण का नाश राम ने किया था उसी तरह मैं राम बन जाऊंगा और किसान क्रांति दल को चुनाव लड़ाऊंगा, और जो जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। जय जय श्री राधे। भारतीय किसान भानु ने किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर करा के तैयार कर दिया है। बता रहे हैं कि हम सभी लोग आने वाले लोकसभा 2024 में पार्टी सभी प्रत्याशियों को उतारेगी और सभी जगह चुनाव लड़ाए जाएंगे। लोग सभी किसानों से निवेदन है, सब किसान इकट्ठे हो जाए। जय जय श्री राधे। चलिए सुनो, हम इसीलिए